अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रही हूँ डर्मा शाइन का। और यहाँ मेरी स्किन देख सकते हैं आप, काफ़ी रफ थी और काफ़ी ड्राइनेस थी मेरी स्किन पे और रेडनेस बहुत थी, रैशेज हुई थी। और अब स्टार्ट करते हैं अपना डर्मा शाइन का फर्स्ट स्टेप। यहाँ मैंने ले लिया उसका क्लिनजर, उससे मैं अच्छी तरह अपनी क्लिनजिंग करूँगी। और ये फास्ट मोशन मैं वही करती रही हूँ, और जब तक आपकी क्लिनजिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपके फेस पे से जो सारी उसके फेस में डस्ट होगी वो नहीं निकलेगी। तो आप मुझे मुसलसल अभी थोड़ी देर तक स्क्रबिंग ही करते हुए देखेंगे, और ये भी मैं स्क्रबिंग ही कर रही हूँ। अपने स्टेप्स को अपने अच्छी तरह से देखना है, जहाँ जहाँ आपके डेड स्किन है, जहाँ आपके पोर्स हैं, वहाँ पर अपनी अच्छी तरह से रब करना है, मसाज करनी है, ताकि आपके जो पोर्स हैं उसमें से डस्ट निकल सके उसमें से। और जो प्रेशर पॉइंट्स हैं आपने उनको भी याद रखना है। यहाँ पर क्या फर्स्ट स्टेप हो गया है, और सेकंड स्टेप है जो कि है स्क्रबिंग। और यहाँ मैं हाथ पे स्क्रब ले लिया है, अपने फेस पे अच्छी तरह से इसको स्क्रब करूँगी। जो हमारे डेड पार्टिकल्स होंगे, हमारी स्किन होगी, वैसे स्क्रबिंग करने से वो डेड स्किन निकल जाएगी और स्मूथ स्किन हमारे फेस पर आ जाएगी। हमारी स्क्रबिंग डन है, उसके बाद अभी देखिए मैंने वॉश कर लिया और काफ़ी अच्छा दूसरे स्टेप में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब हमारा थर्ड स्टेप है जो कि है स्किन पॉलिशिंग, और अभी मैंने अपने हाथ पे ले लिया और अच्छी तरह से अपने फेस पे इसको मसाज करूँगी, और उसके बाद फिर हम इसका वॉश आउट कर लेंगे। बाद अब पॉलिशिंग, अब देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। अब हम अपने पोर्स पे भरेंगे जो कि हमारा मास्क होगा, ठीक है, और हम वो अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं अपने हाथ पे मास्क निकाल लूँगी थोड़ा बहुत, और ब्रश के साथ इसको अप्लाई करती रहूँगी जो। उसके बाद हम अपने उसको वेट करके अपने स्क्रब मास्क को साफ़ कर लेंगे, और ये रिज़ल्ट आपके सामने ही है। और हमारा लास्ट स्टेप अप होगा मसाज क्रीम। थोड़ी सी मसाज क्रीम लेके हम अच्छी तरह से मसाज करेंगे अपने फेस पे। सो गाइस, यहाँ मैंने मसाज क्रीम ले ली है और अच्छी तरह से अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी, और ये मेरा फाइनल रिजल्ट आप लोग के सामने है। होप आप लोग को पसंद आया हो। अल्लाह हाफिज़।